अब बेसिकली हम इसमें इस सेक्शन में कवर करेंगे कि जो डिजिटल कैमरा एसएलआर कैमरा डिजिटल एसएलआर कैमरा हम यूज़ करते हैं वो कैसे काम करता है। अगर हमें पता ही ना हो कि हमारा कैमरा कैसे काम करता है तो हम उससे मैक्सिमम क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। इस वजह से हमें ज़रूरी है कि हमें पता हो कि शटर स्पीड्स और फ्रेम्स और इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है। कैमरे की जो सबसे मेन चीज़ जो एक कैमरे और दूसरे कैमरे में डिफरेंस लेके आती है और जिसकी वजह से एक कैमरा जो है वो 70,000 रुपये का है और एक 5 लाख रुपये का है, वो है उसका सेंसर, ठीक है। उसके अंदर जो मेन चीज़ लगी हुई है वो उसका सेंसर है। और क्या डिफरेंस है सेंसर में कि वो इतनी उसकी प्राइस है और वो क्यों इतना अच्छा है, ठीक है। तो बेसिकली सेंसर का काम क्या है? सेंसर का काम ये है लाइट गैदर करना, लाइट रिसीव करना, ठीक है। आपका सेंसर जितना लाइट सेंसिटिव होगा, जितनी ज़्यादा अच्छी लाइट रिसीव करेगा, उतनी ज़्यादा अच्छी तस्वीर देगा, ठीक है। जितना वो पुअरली लाइट रिसीव करेगा उतनी पुअरली लाइट जो है वो पुअरली तस्वीर जो है वो डेवलप होगी। आपने देखा होगा कि लो लाइट में मोस्टली नॉइज़ आ जाती है। वो नॉइज़ इस वजह से आती है कि जो वो कैमराज हैं जिस कैमरे से आप वो ले रहे हैं उसकी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उतनी कम लाइट में काम कर सके, लाइट कम पहुंच रही है उस तक, ठीक है। तो अब मैं इस वक्त आपको ये बता रहा हूँ कि कैमरे में हम क्या कुछ देखना चाहिए और या क्या उसके क्या क्या मेन कॉम्पोनेंट्स हैं। सेंसर है, अब लेंस है। लेंस जो है वो दूसरी चीज़ है जो कि कैमरे के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। लेंस में मुख्तलिफ किस्म के लेंस हैं, कुछ को हम फास्ट लेंस कहते हैं, कुछ जूम लेंस हैं, कुछ टेलीफोटो लेंस हैं, ठीक है। और उसमें कि क्या क्या चीज़ें हमने देखनी है ये डिसाइड करते हुए कि ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ शॉट के लिए हमें कैसा लेंस चाहिए। और चौथी चीज़ है वो है एक्सपोजर। एक्सपोजर ये है कि आपकी स्क्रीन पे जो तस्वीर बन रही है, कैमरा जो तस्वीर बना रहा है, वो कितनी लिट अप है, वो उसमें कितनी रोशनी आई है, वो कितनी ब्राइट है, या उसने कितनी डिटेल जो है वो उसको कैप्चर किया है। जितना अच्छा एक्सपोजर होगा, जितनी वेल लिट तस्वीर होगी, अब उसमें यह देखना होता है कि ओवर एक्सपोजर तो नहीं हो रहा, ज़्यादा लाइट तो नहीं अंदर जा रही, क्योंकि सेंसर जो है ना वो बेसिकली एक बाल्टी की तरह है। अगर आप उसमें पानी डालें, या ग्लास की तरह है, आप उसमें पानी डाल रहे हैं, एक टाइम आना है कि वो ग्लास भर जाना है, ठीक है। आप उसमें पानी और डालते जाएँ तो ग्लास उतना ही रहेगा, लेकिन क्या होगा कि वो जो एक्सेस पानी है वो बाहर गिर जाएगा। वो डिटेल जो आपकी जो आप कैप्चर करने चाह रहे हैं किसी सीन में, अगर आपने लाइट ज़्यादा दी है उसको, अक्सर क्या होता है कि आप बाहर जाते हैं, आप वीडियो बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और सूरज की रोशनी ज़्यादा है और स्काई जो है लेट से वो वाइट हो जाता है, वो वीडियो में वाइट स्काई नज़र आ रहा है। वो इस वजह से है कि वो हमने एक्सपोजर ज़्यादा रखा हुआ है और वो स्काई की डिटेल जो है वो ज़ाया हो गई है। जब देखिए, अगर एक ग्लास वाली एनालॉजी ले लें, अगर ग्लास खाली है तो तस्वीर ब्लैक आ रही है, ठीक है। ग्लास को आप भरते जा रहे हैं, ग्रे स्केल में हम सिर्फ सोच रहे हैं, ग्लास को हम भरते जा रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रे होती जा रही है, ग्रे से ब्राइटर, ब्राइटर ब्राइटर शेड, ब्राइटर शेड ब्राइटर शेड, मैक्सिमम ग्लास भर गया तो तस्वीर वाइट हो गया, ठीक है। दैट मीन्स के उसके बाद अगर कोई डिटेल है वहाँ पर तस्वीर में तो वो उसमें नहीं आएगी, वो हमने ज़ाया कर दिया, वो डिटेल लूज़ हो गई। इस वजह से अक्सर फोटोग्राफर तस्वीर अंडर एक्सपोज खींच के बाद में लाइट से उसको ठीक कर लेते हैं, बजाय इसके कि मैक्सिमम लाइट से आप फुटेज बनाएं और बाद में आके आपको पता लगे कि यार डिटेल्स आया हो गई है। एक स्टॉप नीचे रख लें और बाद में लाइट को बढ़ा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है आउटडोर में बेसिकली। अब इस सारे प्रोसेस में जो है वो लाइट कितनी इम्पोर्टेंट है, आपकी लाइट आपकी तस्वीर उतनी ही अच्छी है जितनी अच्छी आपकी लाइट है। वही कैमरे, वही सब कुछ प्रोफेशनल्स के हाथ में जाते हैं, वो प्रोफेशनल लाइट सेटअप करते हैं, रिजल्ट ही कुछ और आता है। वही कैमरा, वही सब कुछ, जिनको लाइट का नहीं पता वो जब उसको करते हैं वो क्या करते हैं कि रिजल्ट, आप सिंपल मिसाल ले लें, शादियों वगैरह में आप जाते हैं, फ्लैश लगाई, फ्लैश को किया सीधा, सीधी फ्लैश से तस्वीर खींची,
सारे जो चेहरे के वो डेप्थ और हर चीज़ वो सब कुछ ख़त्म, बिल्कुल एक ऐसे सॉलिड तस्वीर आ गई, फ्लैट तस्वीर बिल्कुल। और वो कहते हैं जी बड़ी अच्छी तस्वीर है, बड़ा चिट्टा लग रहा है मैं। ठीक है, लेकिन तस्वीर जो है उसके अंदर खूबसूरती आती है डेप्थ से, कि उसमें डेप्थ की परसेप्शन अगर आएगी ना, कि कोई चीज़ मेरा नाक है उभरा हुआ है, पहाड़ है वो थोड़ा आगे है, कोई चीज़ आगे है, कोई चीज़ पीछे है, वो जो डेप्थ की परसेप्शन है, चूंकि तस्वीर तो एक 2D है, वीडियो तो एक 2D है, तो उसमें डेप्थ की परसेप्शन लाइट से लेके आते हैं आप। लाइट को वेरी करके या फोकस को वेरी करके आप एक डेप्थ की परसेप्शन लेके आते हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ दूर तक जा रही है। कॉम्पोजिशन, फ्रेमिंग, बेसिकली हम जब वीडियो के लिए फ्रेम्स अपने बनाते हैं, हमने कुछ कुछ रूल्स बने हुए हैं दुनिया में, जिनको जैसे एक एक रूल है जिसे रूल ऑफ थर्ड कहते हैं। ठीक है, रूल ऑफ थर्ड ये है कि अगर आपकी आपकी स्क्रीन है तो उसमें अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट दिखाना है तो आप कोशिश करेंगे कि वो सेंटर में ना हो, वो एक साइड पे होगा, यानी टू तीन हिस्सों में अगर स्क्रीन को तकसीम कर दें तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो, जैसे अब ये देखो ना, बेहतर तस्वीर ये तसव्वुर की जाती है जो जिसमें जो सेंटर्ड ना हो, थोड़ी सी साइड पे ऑफसेट हो, वो नेचुरल चीज़ लगती है। ठीक है, तो इस तरह रूल ऑफ थर्ड्स हैं, और भी बेशुमार रूल्स हैं। अब जो चीज़ें एक अच्छे कैमरामैन को पता होनी चाहिए वो ये है कि उसको बेसिकली फंडामेंटल्स का पता होना चाहिए, उसको उसको ये पता होना चाहिए कि लाइट कैसे मैंने कंट्रोल करनी है, उसको ये पता होना चाहिए कि अपर्चर मैंने कैसे कंट्रोल करना है, ये मैंने फ्रेम कैसे बनाना है। आपका जो कैमरा है, जिस कैमरे को भी आप यूज़ करते हैं, वो कैमरा आपके लिए ऐसे होना चाहिए जैसे आपको अपनी गाड़ी चलानी आती है, जैसे आपको अपना मोटरसाइकिल चलाते हो, कोई भी आपकी अपनी पर्सनल चीज़ जिसको जिसके बारे में आपको हर चीज़ का पता है, आपको अपने कैमरे के बारे में ऐसे पता होना चाहिए जो कैमरा आप ऑपरेट करते हैं। हाँ, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लर्न हाउ टू सी लाइक अ फोटोग्राफर। जब जब हम कोई चीज़ देखते हैं ना, तो ये जजमेंट करना कि ये फ्रेम, ये व्यू स्क्रीन पे अच्छा लगेगा। बाज़ दफ़े होता है कि हम कहते हैं यार ये बड़ा अच्छा है, जैसे हम तस्वीर खींचते हैं तो वो अच्छी नहीं आती तस्वीर, अक्सर ऐसे होता है, बड़ा खूबसूरत कोई वो नज़ारा होता है, हम कहते हैं कि इसको हम तस्वीर खींचेंगे तो वो जब तस्वीर खींचते हैं तो अच्छा नहीं, इस वजह से कि हम फोटोग्राफर से नहीं देख रहे होते उस वक्त। आप जब फोटोग्राफर की नज़र से देखते हैं तो आपको पता, ये पता होता है कि जो लेंस मैं इस्तेमाल करूंगा उस लेंस का फील्ड, उस लेंस में कितना नज़र आता है, ठीक है, और उसमें ये कैसा नज़र आएगा। जो जो ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं या वाइल्ड लाइफ वीडियोग्राफर्स हैं, इनके पास इतना टाइम नहीं होता, या जो लोग मसलन कोई ट्रैकिंग वगैरह कर रहे हैं या कुछ है, जो साथ साथ फिल्मोग्राफी कर रहे हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बैठ के फ्रेम बना बना के तो चेक करते, अच्छा इतो चंगा लग रहा है, इतो चंगा नहीं लग रहा है, वो उनकी जजमेंट कॉल होती है ना। तो वो फिर ये तजर्बे के साथ जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, कैमरा ले कैमरे आपके पास हैं, आप कैमरा यूज़ करें, बाहर लेके जाएं, वो किसी भी चीज़ की वीडियो बनाएं, तस्वीर खींचें, देखें ये फ्रेम है, इसको मैं यहाँ रख के देखूं, ये पहले की आपकी अपनी जाती प्री प्रोडक्शन है, अपने ऊपर जो आप टाइम खर्च कर रहे हैं, जितना आप टाइम अपने ऊपर खर्च करेंगे आपका स्किल सेट बढ़ेगा, और वो स्किल जो है, ये मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो वर्कशॉप्स होती है ना, मैं भी CAG में गया, इधर गया एक दिन में, वो कहते जी इतना सब कुछ याद कैसे रहेगा, ये याद रहता है, ये आपके सबकॉन्शियस में चला जाता है। जिस वक्त आप फ्रेम बना रहे होते हैं ना, उस वक्त अगर आपको रूल ऑफ थर्ड का किसी ने समझा दिया कि रूल ऑफ थर्ड क्या है, जिस वक्त आप फ्रेम बना रहे हैं ना, वो ऑटोमेटिकली आपका फ्रेम रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से बनता है, और वो चीज़ उस वक्त फिर जो है ना वो ट्रांसलेट होती है, उस वक्त वो चीज़ काम आती है। इस तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने अभी 10 मिनट पहले क्या कहा था, आपको याद नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ सबकॉन्शियस में घुस जाती है। तो फील्ड स्किल्स ये है कि फील्ड स्किल्स ये हैं कि बेसिकली अगर आप अकेले हैं, जैसे जाफिर है, अब मैं समझता हूँ कि ये हम लोग इस चीज़ को इतने उससे नहीं देखते, लेकिन अकेले जाके एक 15 प्रोग्राम लेके आना, ठीक है, आपने कैमरे का काम भी किया, आपने साउंड का काम भी किया, आपने कैमरा सेटअप भी किया, आपने चीज़ें भी उठाई, ये आसान काम नहीं है। ठीक है, तो ये फील्ड स्किल्स हम सब के होने चाहिए कि अगर आप जा सकें, आपको कहें कि जी जाओ तुम ये करके लाना है, तो आप में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि कोई भी जो है वो जाए और जाके उसको जो है वो उसको करके तो वो ले आए।
आप में से अक्सर जो हैं वो एक चीज़ में माहिर हैं, कोई कोई जो एक्स किसी को XD कैम का है, कोई इस चीज़ का है, लेकिन जब फील्ड में आपके पास सारे स्किल्स जो हैं कम से कम इतने ज़रूर होने चाहिए कि अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप उसको कर सकें। प्रैक्टिस शूट बेसिकली यही है कि जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी आपके स्किल्स बढ़ेंगे। तो बेसिकली एक वीडियोग्राफर, एक फोटोग्राफर की जो एक नॉलेज है वो किस तरह से बिल्ड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो है ना उसको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, अपर्चर क्या चीज़ है, शटर स्पीड क्या चीज़ है, ISO क्या है, फोकस क्या है, एक्सपोजर क्या है, ये बेसिक चीज़ें। जब ये उसको क्लियर हो जाती है तो फिर उसको समझ आनी शुरू होती है, अच्छा डेप्थ ऑफ फील्ड, लेंस, लाइट, कैमरा डिटेल्स बेशुमार हैं। आप जितना इस चीज़ में घुसते जाएंगे उतनी आपकी फोटोग्राफी, बेसिकली वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी ना दोनों बहन भाई हैं, ठीक है। उनके एक के बगैर दूसरा पॉसिबल नहीं है। आप ये नहीं कर सकते कि यार हम फोटोग्राफी सीखे बगैर वीडियो अच्छे कैमरामैन वीडियो के बन जाए, क्योंकि असूल सेम है, थोड़ी चीज़ें फ़र्क हैं लेकिन बेसिक चीज़ें यही हैं। तो इस वजह से अगर आप फोटोग्राफर अच्छे बन जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप वीडियोग्राफर अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। जब आपका इदराक हो जाता है ना इन सारी चीज़ों पर, लाइट, लेंस, फील्ड, डेप्थ ऑफ फील्ड, शटर स्पीड, अपर्चर, फिर आप सबसे मेन जो है ना फिर आप एस्थेटिक्स पे आ जाते हैं कि भाई आपको कैमरा चलाना तो आ गया लेकिन जो मैं जिस चीज़ की तस्वीर खींच रहा हूँ ये तस्वीर शॉपर की तस्वीर खींचेंगी, किसी ने नहीं देखनी ना। या तो उसके अंदर आपको मीनिंग जो है वो आप उससे कोई मीनिंग डिराइव करना चाहते हैं, फिर तो आप एक ऐसे फ्रेम बनाते हैं जिसमें आप कहते हैं जी ये पोल्यूशन है व्हाटएवर, ठीक है, आप कुछ दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आप एक जनरल तस्वीरें खींचते फिर रहे हैं जिसका कोई जिसमें कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, वो एस्थेटिक्स और वो जो स्किल है वो इन सारी चीज़ों के ऊपर टॉप सबसे ऊपर जो है वो रिजाइड करता है, ठीक है। इस तरह से आपका स्किल सेट डेवलप होता है फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में डेवलप होता है तो फिर वीडियोग्राफी में भी डेवलप होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है, और मेरे ख्याल में तकरीबन फोटोग्राफी का सबको शौक होता है, कोई बंदा नहीं है जिसको शौक ना हो कि मेरे बच्चों की मेरे घर की नॉर्मल जो है वो तस्वीरें अच्छी ना आए, सारी ये है ना। तो वो इस वजह से ये चीज़ें पता हों तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब डिजिटल कैमराज की टाइप्स जो हैं हम सब उन सब से तकरीबन हमारे यहाँ पे तो सब वाकफ़ हैं, ठीक है। सबसे टॉप ऑफ द लाइन फिल्म कैमराज हैं, दो दो करोड़ चार चार करोड़ रुपए का कैमरा, ठीक है। वो लोग नॉर्मली वो कैमरा प्रोड्यूसर्स भी जो प्रोड्यूस कर रहा था फिल्म वो ख़रीदते नहीं हैं, वो रेंट करता है। कैमरा ख़रीदा, लेंस रेंट, कैमरा रेंट किया, लेंस रेंट किया, दिहाड़ी जितने दिनों में वो कहते हैं हमने 10 दिनों में 20 दिन की शूट करनी है वापस कर दिया, क्योंकि वो इतने महंगे ख़रीदे नहीं जा सकते। स्टूडियो कैमराज हैं, वो कैमरे देखें वो भी बड़े महंगे कैमरे हैं, ठीक है। प्रोफेशनल कैमराज हैं जो हम यूज़ करते हैं, XD कैम, DSLRs, बेसिकली DSLRs हम यूज़ कर लेते हैं वीडियो के लिए, ठीक है, क्योंकि वो ऑप्शन देते हैं और हमें बहुत कुछ बहुत सारी चीज़ें दे देते हैं, बट दे आर नॉट इन मेन फोकस, उनका ये भी नहीं कह सकते कि इंटेंडेड नहीं है वीडियो के लिए, अब तो सारी दुनिया यूज़ कर रही है, लेकिन उनका मेन फोकस फोटोग्राफी है, उनके अंदर सारे फीचर्स जो हैं वो फोटोग्राफी वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली प्रोफेशनल कैमराज में DSLRs भी आ जाते हैं, XD कैम्स आ जाते हैं, ब्लैक मैजिक के कैमरे आ जाते हैं, ठीक है। फिर है कंज्यूमर कैमराज, हैंडी कैम, आम लोगों के पास हमारे मोबाइल कैमरे जो हैं ये भी कंज्यूमर में ही आप, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। फ़र्क क्या है, फ़र्क मैं बताऊँगा। और स्पेशलिटी कैमराज जैसे ऑजमो है, गिम्बल लगी हुई है, ठीक है, या ऐसा कैमरा है जो किसी बारीक जगह में वो जैसे वो गले में डाल के तो अंदर से पेट में देखते हैं, वो स्पेशलिटी कैमरे हैं, ठीक है। तो कैमरों के मुख्तलिफ टाइप्स हैं, क्लियर है यहाँ तक। अब हम ज़रा थोड़ा सा DSLR कैमरे को डिसेक्ट करके देखेंगे। DSLR को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि DSLR ही है जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं। तो वो बेसिकली काम कैसे करता है, पहले एनालॉग के ज़माने में आते थे SLRs, सिंगल रिफ्लेक्स कैमरा, सिंगल रिफ्लेक्स कैमरा। बट दैट इज़ वही होता है कि बेसिकली अगर आप यहाँ पे देख लें तो
यहाँ आगे लेंस लगा हुआ है इसके, ठीक है, और यहाँ से लाइट आ रही है, आगे एक लगा हुआ है शीशा मिरर, ठीक है, लाइट उस पर पड़ी है, वहाँ से ऊपर एक ऊपर जाती है लाइट, यहाँ से लाइट आ रही है, मिरर से टकराई ऊपर गई, ऊपर एक और मिरर लगा होता है, और उस मिरर के आगे आपका व्यू फाइंडर होता है। मेन डिफरेंस बिटवीन SLR कैमराज एंड अदर कैमराज जो आप पैनासोनिक वगैरह के छोटे कैमरे लेते हैं, वो ये है कि ये कैमरा ऑन किए बगैर भी आप देख सकते हैं कि तस्वीर क्या आ रही है, क्योंकि जो लाइट से आपकी आंख लेंस से लेके आपकी आंख तक जो लाइट आ रही है उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, उसमें लाइट आ रही है, मिरर पे पड़ रही है, ऊपर मिरर पे पड़ रही है, आपकी आंख में जा रही है, तो आप आंख से अपनी देख के अंदाजा लगा सकते हैं बगैर किसी इलेक्ट्रॉनिक्स के कि ये फ्रेम क्या है। जब आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आता है वो रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स, वो क्या रिफ्लेक्स है, जब आप क्लिक करते हैं ये शीशा ऊपर चला जाता है, एक जितनी भी आपने स्पीड रखी है ना, जिस उसमें शीशा ऊपर जाता है, लाइट सीधी जो है जाके सेंसर पे पड़ती है। अगर आप DSLR से तस्वीर खींचते हैं या वीडियो बनाते हैं, जब आप वीडियो क्लिक करते हैं तो एक आवाज आती है क्लिक, वो लेंस ऊपर जाके वीडियो में वो लेंस जाके ऊपर परमानेंटली ऊपर लग जाता है, और तस्वीर में वो ऊपर जाके नीचे आ जाता है, और जितनी देर में अगर अगर आप व्यू फाइंडर से तस्वीर खींच रहे हैं, जिस वक्त एक्चुअल तस्वीर आप खींच रहे होते हैं, तो उस वक्त आपको कुछ नजर नहीं आता, क्यों, शीशा ऊपर चला जाता है। तो ये बेसिकली बेसिक्स हैं SLR कैमरे की। अब DSLR और SLR में क्या फर्क है, SLR में पीछे फिल्म होती थी और DSLR में पीछे डिजिटल सेंसर है, दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन SLR एंड DSLR कैमराज। सो ये सिस्टम इस वजह से था कि पुराने सिस्टम्स ऑलरेडी डेवलप हुए हुए थे कैमराज के, ठीक है, और उन्होंने कहा कि हम इसमें मिनिमम चेंज करके अगर हमने डिजिटल करना है, तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने सेंसर लगा दिया पीछे और आगे का सिस्टम वही रखा, सेंसर भी तरक्की करते गए और हर चीज़ और क्वालिटी बढ़ती गई। उन्होंने कहा कि इतना भारी सेटअप जो सिस्टम है, अब कोई भी कैमरा आप खरीदते हैं जो DSLR कैमरा है, उसकी एक लाइफ होती है, उसमें लिखा होता है कि इसकी लाइफ है 50,000 से 1,00,000 क्लिक्स, क्योंकि वो जो मैकेनिज्म है जो ऊपर नीचे जाता है उसकी उन्होंने लाइफ बना बताई हुई है उसकी, कि ऑप्टिमल परफॉर्मेंस काम करता रहेगा, वो 20 साल चलाई रखे, लेकिन जो ऑप्टिमल परफॉर्मेंस है उसकी वो 50,000 से 1,00,000 तस्वीर खींचने के बाद उसमें हो सकता है उसका स्प्रिंग खराब हो जाए, ठीक है, इस किस्म का कोई मसला आ जाए। उस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने क्या किया कि यार ये निकालो इसको बाहर, हम तो डिजिटल बना रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है इस पूरी इस मुसीबत की। उसमें आपको कुछ देना पड़ता है, देना ये पड़ता है कि इस कैमरे की जो एबिलिटी थी कि लाइट के बगैर सॉफ्टवेयर के बगैर आप एक्चुअल चीज को देख रहे थे, मिररलेस कैमरा में जिसमें से आपने मिरर निकाल दिया उसमें आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें लाइट आ रही है आगे सीधी सेंसर पे पड़ेगी, पीछे LCD लगी हुई है, वो आगे प्रोसेसिंग होगी सेंसर की, वो आगे जाएगी LCD पे, और LCD पे आप वो देखेंगे जो सेंसर देख रहा है, वो नहीं देखेंगे जो आप देख रहे थे, ये फर्क है। मिररलेस कैमरा में वो जो एक ऑप्शन था आपके पास कि आप असल चीज़ देख सकते थे, वो ख़त्म हो जाती है, गेन आप क्या करते हैं कि वो सस्ता है कैमरा, ठीक है, वो लाइटर है, और वो ख़राब इस सेंस में नहीं होगा कि वो उसमें वो मैकेनिज्म नहीं है जो ख़राब हो, मैकेनिकल मैकेनिकल चीज़ उसमें से निकाल दिए, तो कुछ दे के कुछ चीज़ें आप गेन कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ें हैं। तो ये क्लियर हो गया मिररलेस कैमरा और DSLR में ये फ़र्क है कि मिररलेस कैमरे में वो मिरर वाला पूरा सिस्टम उन्होंने निकाल दिया। अब बेसिकली हुआ ये कि जब डिजिटल फिल्म या डिजिटल कैमरे आए हैं, तो उस वक्त जो स्टैंडर्ड फिल्म चल रही थी ना, बहुत से स्टैंडर्ड्स होते हैं हर चीज़ के, यानी स्टैंडर्ड से मुराद ये है कि आपने नेगेटिव देखा कभी जो फिल्म कैमरे में डलता है, ठीक है, उसका एक साइज़ है, और उसका साइज़ है ये 36 mm by 24 mm,
ठीक है, ये इसका 30, इसको हम कहते हैं 35 mm फिल्म। ईजिएस्ट वे जो बनाने वाले जो थे, कैमरा बनाने वाले, उनका उनके पास जो था कि हम हर चीज़ को वही रखें और डिजिटल पे भी शिफ्ट हो जाए, वो ये था कि उन हम अपने सेंसर का भी यही साइज़ कर दें जो फिल्म का साइज़ था। यानी आपने जहाँ पे पहले फिल्म होती थी वहाँ आपने उसी साइज़ का सेंसर लगा दिया जिस साइज़ की फिल्म नेगेटिव था। ठीक है, अब सेंसर जो है ये बनाने एक्सपेंसिव हैं, ठीक है, जितना बड़ा सेंसर होगा उतना एक्सपेंसिव सेंसर होगा। तो अब इन्होंने कहा कि हमने तो चीपर कैमराज भी बनाने हैं, आम कंज्यूमर को भी देने हैं, और छोटे सेंसर के ऊपर भी अच्छी गुजारिशों की तस्वीर आ जाती है, और हर एक के पास छोटा सेंसर है, इसमें छोटा सेंसर है, HD वीडियो बनाता है 12 मेगापिक्सल, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जी गुजारा तो हो जाता है, तो फ़र्क क्या है ये मैं बताऊँगा। तो मुख्तलिफ कंपनियों ने फिर क्या किया कि उन्होंने कहा कि हम सेंसर छोटा करते जाते हैं, किसी ने 1.5 टाइम्स छोटा कर दिया उसको, ठीक है, यानी 1.5 गुना छोटा है वो, किसी ने 1.6 कर दिया, किसी ने 2/3 कर दिया, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ कंपनियां जो हैं उनके सेंसर, ये देख लो मोबाइल का सेंसर सबसे छोटा है, सेंसर में जो ऑप्टिक्स है ना जिसके ज़रिए वो लाइट अंदर आ रही है उस सेंसर के अंदर, ऑब्वियसली जब आप उसको छोटा करेंगे तो वो ऑप्टिक्स, वो लेंस जो उसके अंदर लगे हुए हैं छोटे छोटे, आप समझ लें कि हर एक पिक्सल को कैप्चर करने के लिए सेंसर के अंदर उसका अपना एक वो होता है, उसका अपना एक छोटा सा लेंस होता है, जितना छोटा करते जाएंगे उसका वो लेंस छोटा होता जाएगा, उतनी कम लाइट लेगा। इस वजह से मोबाइल कैमराज आर टेरेबल एट लो लाइट, दैट्स उसकी वजह ये है। वही 12 मेगापिक्सल का DSLR ले लें आप फुल फ्रेम, ठीक है, और वही 12 मेगापिक्सल का मोबाइल फ़ोन ले लें और एक ही तस्वीर खींचे, आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, दोनों 12 मेगापिक्सल है, उसका 12 मेगापिक्सल का एक पिक्सल इतनी लाइट ले रहा है और मोबाइल का 12 मेगापिक्सल इतनी लाइट ले रहा है, डिटेल तो लूज़ हो गई। ये फ़र्क है, लग रहा है मोबाइल काफ़ी है जी मोबाइल काफ़ी नहीं है, इस वजह से काफ़ी नहीं है कि उसका सेंसर जो है वो छोटा है और वो कम लाइट लेगा। दिन में इट्स ओके, दिन में आप कोई फ़र्क नहीं कर सकते कि ये मोबाइल से बनी हुई है वीडियो या ये 12 मेगापिक्सल के DSLR से बनी हुई है, फ़र्क पड़ता है लो लाइट में। अब मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं दुनिया में सेंसर साइजेस के, ठीक है, नाइकॉन इसके साइजेस देखिए आप, 36x24 mm ये उसका साइज है, ये होता है फुल फ्रेम। जो नाइकॉन वाले हैं वो बनाते हैं जिसे हम कहते हैं ना क्रॉप सेंसर है जी, क्रॉप सेंसर की चीज़ है, कहते हैं ये फुल फ्रेम है या क्रॉप सेंसर है, तो क्रॉप सेंसर में ये होता है कि ये सेंसर का साइज छोटा है, ठीक है, और 24x16 22x15, ये नाइकॉन का जो सेंसर है थोड़ा कैनन से थोड़ा सा बड़ा होता है, और ये कैनन है, फिर आगे 4/3 CX और पता नहीं क्या मुख्तलिफ, जिसका दिल करता है अपने साइज का सेंसर बना देता है, ठीक है। लेकिन ये कि जो मोस्टली प्रोफेशनल लेवल पे यूज़ होते हैं वो यहाँ तक होते हैं, या ये 4/3 भी, अगर आपने वीडियो यूज़ करनी है तो दिन के वक्त में तो 4/3 भी, ये जो ऑजमो में जो सेंसर लगा हुआ है ये 4/3 है, इसी वजह से इसकी क्वालिटी में, कलर में और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है, वो इस वजह से कि उसका सेंसर ऑजमो में जो सेंसर लगा है वो छोटा लगा है, ड्रोन में जो लगा हुआ है सेंसर वो छोटा लगा हुआ है, ठीक है, रात के वक्त, हालांकि उसे हमारा ड्रोन रात को बहुत अच्छी करता है लेकिन उसका सेंसर छोटा है, हाँ इस वजह से कराता है क्योंकि उसका सेंसर छोटा लगा हुआ है। ये एक शॉट है फुल फ्रेम में उसने लिया है, ठीक है, अगर यही शॉट वो आप लें उससे क्रॉप में तो क्या होगा, ये देखो ना वो 1.5x क्रॉप है, कैनन का लेंस है, ठीक है, अब वो क्या हुआ है कि तस्वीर का साइज छोटा हो गया। जब आप लैंडस्केप ले रहे हैं ना तो वहां पे आपको फुल फ्रेम कैमरा चाहिए, क्योंकि आपने मैक्सिमम वाइड जितना लेके आना है वो
वो आपको फुल फ्रेम में ही मिलेगा, क्रॉप जो है वो इतनी तस्वीर देगा एक ही जूम पे, एक ही लेंस अगर आपने लगाया हुआ है, ये स्टैंडर्ड की बात हो रही है ना, लेट्स से आपने एक ही लेंस लगाया हुआ है, आपने 20 mm का लेंस लगाया हुआ है, 20 mm पे ये जो तस्वीर मिलेगी आपको फुल फ्रेम पे ये मिलेगी और क्रॉप पे ये मिलेगी। मज़े की बात यह है कि जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं दे प्रेफर क्रॉप कैमराज, क्यों? फोकल लेंथ बढ़ जाती है, प्लस आपको क्रॉप की वजह से तस्वीर बड़ी नज़र आती है। अगर उसने शेर को फोकस किया, उसने जूम इन किया है, तो वो उसको क्रॉप करेगा तो वो शेर और करीब लगेगा, क्योंकि 1.5 टाइम्स और बड़ा लगेगा, तो वो लगेगा कि तस्वीर और करीब चली गई है, आप और करीब चले गए हैं। तो जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं दे सम टाइम्स प्रेफर 1.5, मतलब क्रॉप लेंस प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो करीब जाना चाहते हैं ज़्यादा। ये ना कि अगर आपको पता हो कि मैंने क्या करना है, अमूमन वाइल्ड लाइफ जितने भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं उन्होंने 3-4 कैमरे लटकाए होते हैं अपनी बेल्ट में, और उनको पता होता है अच्छा मैंने ये शॉट लेना है, मैंने ये कैमरा निकालना है, मैंने ये लेंस कॉम्बिनेशन निकालनी है, मैंने ये शॉट लगाना है, मैंने ये निकालना है। ये फुल फ्रेम है 36 mm, ये 24 mm का हमारा कैनन का जो 70D 50D 700D मेरा, ये इतनी छोटी तस्वीर बनती है। वही बात, सेंसर साइज, बड़ा सेंसर, बिगर पिक्सल्स, मोर पिक्सल्स, ज़्यादा शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी आपको, ठीक है, स्मॉलर है तो वो छोटा है। पिक्सल्स बेसिकली है क्या? पिक्सल होता है जैसे कैमरे का पिक्सल जो है, जो कहते हैं इतने मेगापिक्सल का कैमरा है, उसका मतलब ये होता है कि उस सेंसर पे उतने मिलियन छोटे छोटे सेंसर लगे हुए हैं, जितने जितने ज़्यादा मेगापिक्सल उतने ज़्यादा वो छोटे छोटे जो लाइट कैप्चर करने वाला जो सिस्टम है, जो सर्किट लगा हुआ है, वो उतने ज़्यादा, ठीक है। जो कहते हैं 40 मेगापिक्सल का कैमरा, उसका मतलब इतनी सी चिप में 40 मिलियन या पता नहीं कितने, जितने जो भी उसकी डेटा है, जो भी उसकी उसका नंबर है, उतने सेंसर लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ 24 मेगापिक्सल सेंसर, 6000 पिक्सल्स बाय 4000 पिक्सल्स। अब आप हिसाब लगाए ना कि अगर आपको रेजोल्यूशन याद हो, मैंने अभी आपको बताई थी, अब HD SD UHD, उसमें HD की क्या रेजोल्यूशन थी? 727 फुल HD की 1080 समथिंग बाय 1080 1920 बाय 1080 फुल DSLR कैमरा जो फुल फ्रेम है उसका क्या साइज है? 6000 बाय 4000। दैट मीन्स कि ये एक फ्रेम जो है ये उससे कम से कम 25-30 गुना बड़ा। जो आप तस्वीर खींच रहे हैं उसी कैमरे से वो बहुत ज़्यादा बड़ी है वीडियो के निस्बत। वीडियो तो 1080 है सिर्फ, क्लियर हुआ ये बात समझे? अच्छा जी, यहाँ तो क्लियर है। अब सेंसर, बड़ा सेंसर अच्छी तस्वीर, छोटा सेंसर बुरी तस्वीर, ठीक है। ISO क्या है? ISO बेसिकली पूरी दुनिया में जो भी काम होता है ना, जब कंपनियां उसको करना शुरू करती हैं ना, तो उसके लिए स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर वो स्टैंडर्ड्स ना हो तो हर एक कंपनी की जो चीज़ है ना वो डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ISO बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करती है। उन्होंने कहा है कि जो मिनिमम लाइट का उन्होंने एक कह दिया कि इतनी लाइट हो तो ISO 100 होता है, ठीक है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि ISO बेसिकली है क्या। टेलीविज़न आप देख रहे हैं, तस्वीर डार्क लग रही है आपको, आप TV से ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, अब एक्चुअली ब्राइटनेस तो नहीं बढ़ी, आपने अपनी तस्वीर को थोड़ा सा, आपने किया क्या है, आपने उसको कहा है कि जो काले रंग का पिक्सल है ना उसको ग्रे कर दो,
जो थोड़ा सा और ग्रे है उसको थोड़ा सा और थोड़ा सा ब्राइट कर दो। बेसिकली आपने पिक्सल्स के कलर चेंज कर दिए, ठीक है, ऐसे ही है। अब चूंकि वो आपने उसको ISO बढ़ा दिया है, आपने क्या किया कि आपने ये परसीव किया है कि रोशनी बढ़ गई है, लेकिन एक्चुअली रोशनी तो नहीं बढ़ी। उसके नतीजे में क्या होता है, उसके नतीजे में ग्रेन इंट्रोड्यूस होता है, यानी जो लो लाइट में अगर आप वीडियो बनाते हैं तो दाने 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 से वाइट 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 से दाने, वो दाने इस वजह से हैं कि आप उसको रैंप अप कर रहे हैं। मैं आगे इसको इसको मैं इसको एक्सप्लेन किया हुआ। मोस्ट कैमराज में जो 100 ISO होता है वो बेस ISO होता है, यानी कि मिनिमम ISO, यानी कि ओरिजिनल फुटेज, ओरिजिनल जो सेंसर आपको दे रहा है वो 100 है। ISO 200 का मतलब है कि आपने अपने सेंसर को 2 times जो है ना, आपने उसको उसकी ब्राइटनेस बढ़ा दिया, ठीक है। ISO 400 का मतलब है कि आपने अपने सेंसर की ब्राइटनेस जो है, जो आर्टिफिशियली आप बढ़ा रहे हैं, वो आपने 4 times बढ़ा दिया, 8x, 16x, 32x, 64x, ठीक है। आप आर्टिफिशियली ब्राइटनेस बढ़ा रहे हैं और क्वालिटी लूज कर रहे हैं। जितने भी फोटोग्राफी के ट्यूटोरियल आपको मिलेंगे या जो क्लासेस वगैरह मिलेंगी, वो ये कहते हैं कि आपने ISO को सबसे आखिर में छेड़ना है। आप लाइट को लाइट एडजस्ट कर रहे हैं ना, आप अपना एक्सपोजर सेट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि तस्वीर अच्छी ब्राइट खूबसूरत नज़र आए, तो ISO को आपने सबसे बाद में छेड़ना है। अगर आपने आपने लाइट कम है, आप अपर्चर खोल देते हैं, लाइट अंदर आनी शुरू हो गई है, ठीक है। आप शटर स्पीड तस्वीर में आप शटर स्पीड ज़्यादा देर के लिए शटर खोल के रखते हैं, ज़्यादा लाइट अंदर आती है, उससे भी लाइट कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनसे नहीं हो रही तो फिर आप क्या करते हैं कि आप ISO ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन ISO आपने लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे ऊपर लेके जाना है। पहले ISO सेट नहीं करना, ISO लास्ट सेट करना है, क्योंकि आप ISO दोनों चीज़ों से, अपर्चर से, शटर स्पीड से क्वालिटी लूज़ नहीं होती, ISO से क्वालिटी लूज़ होती है। तो वो आपने देखना है कि आपकी मैक्सिमम क्वालिटी है। जो भी आपका ISO का है ना मीटर, जो आपके कैमरे में है, उसमें जो ये आखिरी दो है ना, लेट्स से इससे आगे भी जा रहा है, उससे भी आगे जा रहा है, जो दो आखिरी दो है ना, वो ऑफ लिमिट्स हैं, वो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। क्योंकि उस पे जाने का मतलब है कि गार्बेज तस्वीर आएगी। वो उन्होंने इसलिए दिए हैं कि ये हमारा लेंस, हमारा जो सेंसर है, यहाँ तक सपोर्ट करता है, जो ये लो हमने दे दिए, लेकिन वो इसलिए नहीं दिए कि आप उसको यूज़ करें। जो आखिरी दो है ना, अब मसलन ये ISO, ये कैमरा है जिसमें तो यहाँ तक तस्वीर बगैर ग्रेन की आएगी, 1600 तक नहीं पता चलेगा, लेकिन 3200 पे विजिबल ग्रेन आएगा और 6400 पे अच्छा खासा ग्रेन आएगा इस कैमरे पे। लास्ट चीज़ जो है वो कैमरा की आज के दिन के लिए, वो है वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस ये है कि जो सूरज की रोशनी है ना, हम उसको बेस के तौर पे लेते हैं, जो सूरज की रोशनी होती है ना, वो वाइट कलर की होती है, ठीक है। और बाकी जितनी रोशनियाँ हैं ना, बल्ब की रोशनी, LED की रोशनी, इन सब के अपने कलर भी हैं। जब ये किसी चीज़ पे पड़ती है तो उस पर अपना कलर भी इंट्रोड्यूस करती है। तो हमने अगर नेचुरल कलर्स दिखाने हैं तो फिर हम अपने कैमरे को बताते हैं कि भाई ये लाइट पड़ रही है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे ऊपर बल्ब से रोशनी आ रही है, तुम्हारे ऊपर टंगस्टन, वो क्या कहते हैं, हैलोजिन या ट्यूबलाइट से रोशनी आ रही है। तो वो जो भी उससे डिफरेंस पैदा होता है वो उसको ख़त्म करके वाइट को वाइट करके दिखाता है, वो कैमरे में प्रोसेसिंग होती है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वाइट बैलेंस। उसके लिए क्या करते हैं आप, नॉर्मली ये करते हैं कि जिस जगह लाइट पड़ रही है ना, उस जगह पे आप या तो वाइट शीट जो है, वाइट बैलेंसिंग शीट मिलती है जो प्योर वाइट होती है, जो ये जो पेपर है ना, ये पेपर है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि प्योर वाइट हो, ये उसके लिए वाइट बैलेंसिंग के लिए प्रॉपर वाइट बैलेंसिंग शीट्स मिलती हैं जो वाकई प्योर लाइट होती है, प्योर वाइट होती है। अब वो वहाँ रखते हैं, उस पर फोकस करके, जूम करके उस पर जाते हैं अपने कैमरे से,
फिर कैमरे को कहते हैं कि इसको वाइड करो, वो फिर एडजस्ट करके ऑटोमेटिकली अगर आप करें, अगर आपको पता है कि ये मेरी लाइट इस टेम्परेचर की है, हर एक लाइट का एक टेम्परेचर होता है और वो डिफाइन करता है कि उसका कलर क्या होगा, अगर आपको पता है कि मेरी लाइट इस टेम्परेचर की है तो फिर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली अपने कैमरे में जाते हैं, उसको वो टेम्परेचर दे देते हैं कि भाई इस टेम्परेचर की लाइट है, ऑटोमेटिकली आपका जो है वो वाइट बैलेंस ठीक आएगा। कि सूरज की रोशनी में वही चीज़ जो है वो न्यूट्रल कलर नज़र आएगी, लेकिन अगर आप बल्ब की रोशनी में वो चीज़ देखेंगे तो वो उसको उसका टिंट दे देगी। इस वजह से हम वाइट बैलेंस करते हैं, इस वजह से हमारे मुख्तलिफ कैमरों के कलर से ही नहीं आते, क्योंकि इंडिविजुअली हर एक को वाइट बैलेंस करना ज़रूरी है स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए। हर कैमरे को आप अलग इंडिविजुअली वाइट बैलेंस करेंगे तो फिर यह कि आपके कलर के अप्रॉक्सीमेटली एक ही जैसे कलर आएंगे। ये कलर टेम्परेचर्स दिए हुए, जितने ज़्यादा जो जो ये लाइट सोर्सेज हैं ना, जो जिनमें फिलामेंट होता है जैसे बल्ब होता है, वो लाइट सोर्सेज पीली रोशनी बनाते हैं, ठीक है, और वो लाइट सोर्सेज जिनमें जो ट्यूब टाइप हैं, हम खुद भी ऑब्जर्व करते हैं, वो नीली रोशनी बनाते हैं। तो हमने बेसिकली इसको हमने हमारा वाइट बैलेंस करने का मकसद ये है कि हमने वाइट वाइट नज़र आए, ना नीला नज़र आए, ना येलो नज़र आए, बस ये मकसद है वाइट बैलेंस का, सिंपल। कोई आप इस चीज़ में पढ़े ना कि कौन सा टेम्परेचर क्या है, कितने टेम्परेचर से क्या, वो ठीक है, ये अगर आपको पता है कि मेरी लाइट का टेम्परेचर ये है तो आप एग्जैक्टली जाके वाइट बैलेंस वो सेट कर सकते हैं। अगर नहीं भी पता तो आपको वाइट पेपर चाहिए बस। DSLR में कस्टम होता है, होता है उसमें कस्टम आता है, DSLR में भी होता है, ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं करता आपको इस लाइट के ऊपर, ये आपको रखना चाहिए। यार जितनी भी चीज़ें डिजिटल कैमराज में ऑटोमेटिक होती हैं ना, वो सब्जेक्ट टू कंडीशंस होती हैं, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो रिजल्ट दें जो आप चाह रहे हैं। लाइट 100% जो है ना वो एक्यूरेसी जो है गारंटीड नहीं है उसमें, क्योंकि उसने उस वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं और वो गलत साइड पे चला जाए, गलत रिजल्ट दे दे। वो इस वजह से भी होता है, मैं आपको मिसाल देता हूँ इस कमरे की, इस कमरे में ये दीवार येलो है, वो दीवार रेड है, वहाँ वाइट बैलेंस कुछ हो रहा है, यहाँ वाइट बैलेंस कुछ हो रहा है, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होके आप पे और शेड डाल रही है। एक ही लाइट है ना, एक ही तीनों वाली एक ही लाइट लगी हुई है, लेकिन वो जो डिफरेंस आ रहा है वो लाइट की इंटेंसिटी की वजह से नहीं आ रहा, वो लाइट की शिफ्ट की वजह से आ रहा है कि उसका कलर क्या है या शेड क्या पड़ रहा है, उसकी वजह से आ रहा है। कमरे में मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से मुख्तलिफ फर्नीचर है मसलन, वो फर्नीचर की वजह से भी डिफरेंट हो जाएगा। वो डिफरेंट उसका अलग होगा, उसका वो वाइट से वाइट पेपर रख के अगर आप करेंगे ना फिर फर्क नहीं आएगा, अगर आप कलर टेम्परेचर सेट करेंगे फिर फर्क आएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको आपने कलर टेम्परेचर तो एक साइड के हिसाब से किया ना। हाँ, फर्क है, इस वजह से फर्क आ रहा है कि वो कंडीशंस डिफरेंट है ना। ऑटोमेटिक ने तो देखना है ओवरऑल, एक सबसे आसान तरीन और सबसे बेस्ट तरीका यह है कि पेपर रखें, पेपर को उन्हीं से देखो, पेपर एक ही पेपर से सारों को कर रहे हो ना, अगर ये पेपर भी है आप उन्हीं को कहते यार एक पेपर देना यार उसे पकड़ के, लेकिन पेपर आपने उस जगह पे रखना है जहाँ पे बंदा बिठाया, ये नहीं कि साइड पे जाके पेपर रख के वाइट बैलेंस हो गया और यहाँ आके कैमरा सेट कर दिया, ऐसे ही होता था ना, ऐसे नहीं करना, ये गलत तरीका है, ठीक है। हम तो वाइट बैलेंस जो है वो ब्लैक कैप लगा के भी करते थे कैमरे के ऊपर से उतारते ही नहीं थे, कैमरा चलता छोड़ देते थे 5 मिनट, वाइट बैलेंस हो गए ऐसे भी होता था ना चले जी, ये मेरी थी आज की 2